अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पाइसान प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि इससे पहले हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर चुके हैं, और ये डिस्क्रीट और वेरिएबल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन हैं। इसी तरह पाइसान प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन का, इस पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताने से पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पाइसन इवेंट्स क्या होते हैं और इसकी जो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके सिचुएशन ऑफ एप्लीकेशन है क्या। बेसिकली ये एक रेयर इवेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे अगर जो वुडन शीट्स बन रही हैं, वुडन शीट्स बन रही हैं, और हम ये कहते हैं कि वुडन शीट में फ्लॉ है, ये एक रेयर इवेंट होता है कि मोस्टली ऐसा होता है कि फ्लॉ नहीं होता है। लेकिन अगर हम कह देते हैं कि जी ऑन द एवरेज जो 10 शीट्स में हैं वो 2 फ्लॉ होते हैं, ठीक है, तो बताएं कि जो है 5 शीट्स जो हैं उनमें 1 फ्लॉ होगा। तो यानी ये एक ऐसा इवेंट है जो रेयर इवेंट है और एग्जिस्ट बहरहाल ये करता है। जैसे यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है कि सपोज अ वॉशिंग मशीन ब्रेक्स डाउन एंड एवरेज 3 टाइम्स, एक महीने में 3 दफ़ा वो ब्रेक डाउन होती है वॉशिंग मशीन। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली 2 ब्रेक डाउन होंगे अगले महीने में, ठीक है। तो अगेन ब्रेक डाउन हो जाना किसी भी मशीन का, ये रेगुलरली नहीं होता, एक रेयर इवेंट है। ये देखना कि जी ऑन द एवरेज, यानी जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन होती है वो ये होती है कि ऑन द एवरेज ये इवेंट इतना होता है, और अगले एक खास इंटरवल में हमें बताना होता है कि कितनी मरतबा वो इवेंट हो। जैसे इस एग्जांपल में भी आप देखें तो आपको ये बताया गया है कि ऑन द एवरेज जो एक महीने में वो 3 मरतबा ब्रेक डाउन होती है, तो अगले महीने में, यानी खास इंटरवल दिया गया, अगले महीने में वो एग्जैक्टली 2 मरतबा ब्रेक डाउन हो। इसी तरह जो दूसरी एग्जाम्पल यहाँ लिखी है वो ये है कि ऑन द एवरेज जो है टेली मार्केटिंग की फोन कॉल्स पर वीक आती हैं 9.5 टेली मार्केटिंग फोन कॉल्स रिसीव होती है। तो अगर आपको इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगले वीक में एग्जैक्टली 6 टेली मार्केटिंग फोन कॉल्स आए, राइट। सो टेली मार्केटिंग की फोन कॉल्स ऑन द एवरेज इतनी आती हैं, और नेक्स्ट वीक में प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि 6 आए या 5 आए या 4 आए या एटलीस्ट 3 आए या एटमोस्ट 4 आए, ठीक है। यानी इसमें आपको, इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि आपको एक ऑन द एवरेज इवेंट बताया गया है कि ऑन द एवरेज इवेंट इतना होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगला एक टाइम बताया गया होगा या एक स्पेस बताई गई होगी कि इसमें आपका ये इवेंट इतनी मरतबा हैपेंड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। एनीवेज ये थोड़ा सा पाइसन इवेंट्स का इंट्रोडक्शन हो गया। आई होप कि मैं आगे एग्जाम्पल्स करवाता हूँ तो इसे आप फर्दर क्लियर हो जाएगा। सो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली जिस तरह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने पढ़ा था कि ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, एक इवेंट के होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर असर नहीं पड़ता, बिल्कुल उसी तरह पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक अगले जब बता रहे होते हैं तो एक खास इंटरवल में बता रहे होते हैं। सो जो बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज हैं वही पाइसन की प्रॉपर्टीज भी हैं कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी एक इफेक्ट नहीं होती ट्रायल टू ट्रायल। सो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली पाइसन का फॉर्मूला है जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा पावर एक्स ई पावर माइनस लैम्डा ओवर एक्स फैक्टोरियल। यहाँ पर लैम्डा जो आपको इसमें नजर आ रहा है ये वही मीन है जिसकी पहले बात हो रही थी कि आपको पहले एक एवरेज दी जाएगी। यहाँ पर हम लैम्डा को उस एवरेज से डिनोट करें। जैसे आपको पहली एग्जांपल में जो मैंने अभी डिस्कस की वो आपको बताया गया कि जो वॉशिंग मशीन है इट ब्रेक्स डाउन ऑन द एवरेज 3 टाइम्स अ मंथ, तो यहाँ पर लैम्डा 3 होगा। दूसरी एग्जांपल में आपको कहा गया अ हाउस होल्ड रिसीव्स 9.5 टेली मार्केटिंग फोन कॉल्स पर वीक, 9.5 यहाँ पर लैम्डा। सो ऑन द एवरेज जो आपको रिसीव हो रहा है या ऑन द एवरेज जो चीज आपको पहले गिवन है वो आप उसको लैम्डा कहेंगे। ये स्टेटमेंट से आपको मिल जाएगा, इस स्टेटमेंट में वो लैम्डा होगा।
अब आपको जो पूछा जाएगा कि बताएं कि ये इवेंट 3 times हुआ, 4 times हुआ, 5 times हुआ, जैसे भी ब्रेकडाउन मशीन के ब्रेकडाउन की बात हो रही थी, तो हम कहते हैं कि ऑन द एवरेज जैसे एग्जांपल पे देख रहे थे कि 3 times पर मंथ ब्रेकडाउन हुआ, तो नेक्स्ट मंथ में 2 times हो तो x2 हो जाएगा, राइट? कितनी मरतबा आपको कहा कि वो इवेंट हो, वो आपका x होगा। सो आप यहाँ पर x की जगह x पुट करेंगे, लैम्डा पुट करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो e है इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में भी अवेलेबल होती है, कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ये वैल्यू 2.71828 है। सो आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली e की पावर माइनस लैम्डा ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इसकी एग्जांपल देखते हैं। अभी ये वही एग्जांपल है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई भी, मशीन वाली। वॉशिंग मशीन ब्रेकडाउन, जैसे हमने पहले कहा कि 3 times पर मंथ ब्रेकडाउन होती है, यूजिंग द पाइसन फॉर्मूला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ दिस मशीन विल हैव एग्जैक्टली 2 breakdowns। सो हियर द लैम्डा इज 3, 3 times है ना ऑन द एवरेज, तो लैम्डा हो गया 3। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पाइसन फॉर्मूले को यूज करते हुए कि दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द मशीन विल हैव एग्जैक्टली 2 breakdowns। ये एक्स हो गया, मैंने आपको बताया कि जितनी मरतबा आपसे इवेंट पूछा जाएगा वो आपका x हो जाएगा। सो हेयर x इज इक्वल टू 2। अब ये देखिए नीचे सॉल्व किया हुआ है, x इज इक्वल टू 2। सो लैम्डा पावर x e पावर माइनस लैम्डा x फैक्टोरियल, ये फार्मूला है, ये पहले आप अच्छे से इसको मेमोराइज कर लें। लैम्डा की जगह हमने 3 पुट कर लिया, जैसे यहाँ पर बताया गया कि ऑन द एवरेज 3 times पर मंथ 3, लैम्डा की जगह x की जगह 2, जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी बार पूछा गया वो x है, लैम्डा पावर 2 होगी, e पावर माइनस 3 यानी माइनस लैम्डा और x फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। 3 पावर 2 ली 9 आ गया, e पावर माइनस 3 ली 0.04978 की वैल्यू लिखी हुई है, 2 फैक्टोरियल लिया 2 आ गया, मल्टीप्लाई किया 9 को इस वैल्यू के साथ और 2 पर डिवाइड किया, सो यू गॉट आंसर 0.2240। ये कंपैरेटिवली सिंपल है पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन, आसान है इसके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। एक एवरेज गिवन है और उसके साथ साथ एक क्वांटिटी गिवन है, आप इसके फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और उसको आगे सॉल्व, हाँ इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, कैलकुलेटर को यूज करना, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल को देखें, ये भी आपको पहले मैंने बताई है, ऑन एवरेज अ हाउस होल्ड रिसीव 9.5 टेलीमार्क, सो लैम्डा इज 9.5। ओके, हियर वी हैव द लैम्डा 9.5, यू कैन सी हियर that is also used in the formula. Using the Poisson probability formula, find that a randomly selected household receive exactly 6 telemarketing phone calls. So exactly 6 का मतलब है x आपका 6 हो गया। So x को 6 put किया, lambda को put किया, values put की, solve किया, तो 0.0764 आपका answer आ गया। इसमें आप ये चीज यहाँ पर जरा नोटिस कर लें कि अभी मैंने जो एग्जांपल्स आपको दोनों करवाई हैं, इनमें जो पूछे जाने का तरीका है वो काफी सिंपल था। आई मीन आपको पूछा, पहली एग्जांपल में पूछा गया एग्जैक्टली 2 breakdowns और दूसरे एग्जांपल में पूछा गया है एग्जैक्टली 6 टेलीमार्केटिंग कॉल्स। ये समटाइम्स एटलीस्ट 2 भी पूछी जा सकती है, एट मोस्ट 2 भी पूछी जा सकती है, लेस देन 2 पूछा जा सकता है, ग्रेटर देन 2 पूछा जा सकता है, राइट? तो ये डिफरेंट चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, जिसकी मैं आपको एक्सरसाइज में दूंगा, उसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। सो लेस देन 2 से क्या मुराद है? लेस देन 2 से मुराद है 0 and 1, राइट? लेस देन 2, 0 and 1। सो 0 and 1 की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लें और 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके उसको आप प्लस कर लेंगे लेस देन 1। यहाँ पर जो मैं अब आपको बात मेंशन करने जा रहा हूं, इसे आप जरा प्लीज नोटिस कर लीजिएगा खास तौर पे, कि अगर आपको इस तरह की सिचुएशन हो, ओके लेट मी क्रिएट दिस सिचुएशन, अगर सिचुएशन ये हो, कोई यही एग्जांपल है और आपसे ये कहा गया है कि आप एटलीस्ट 2 टेलीमार्केटिंग के बताएं। एटलीस्ट 2 का क्या मतलब होता है? एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 2 और ग्रेटर, एटलीस्ट 2 का ये मतलब होता है, यानी प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करनी है एटलीस्ट 2 कॉल्स की, तो इसका मतलब है आपको एक्चुअली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एटलीस्ट 2 मतलब है कि x जो है दैट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 और ग्रेटर।
अब पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी आपको ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, यानी ग्रेटर और इक्वल टू टू से क्या मुराद है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अप टू सो ऑन, तो माइंड में रखें कि आप पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएबल की रेंज है ऊपर वाली वो इन्फिनिटी है, तो आप ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते। आपको जब भी ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी तो आप उसको टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन की प्रोबेबिलिटीज फाइंड नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको दूसरे तरीके से करेंगे। ये जो दूसरा तरीका है इसे हम कहते हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेना, यानी ग्रेटर देन इज इक्वल टू टू की पूछी है ना, आप लेस देन टू की फाइंड आउट कर लें, और लेस देन टू की फाइंड आउट कर लें क्योंकि हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है, तो उसे वन में से माइनस कर दें। यानी इस केस में आप क्या करेंगे कि अगर किसी किसी ग्रेटर देन इक्वल टू की पूछी हुई है तो आप वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन टू की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। अब देखें लेस देन टू क्या है, लेस देन टू है जीरो और वन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। आप जीरो और वन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे और प्लस करके वन में से माइनस कर देंगे। यानी फर्दर मैं इसे अगर लिखूं तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वन, बेसिकली लेस देन टू जीरो एंड वन। सो वन यहां मैं जीरो कर देता हूं ताकि इसकी तरतीब ठीक रहे। तो जीरो और वन की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे उस, यानी इस फार्मूले में पहले x इज इक्वल टू जीरो लैम्डा के साथ पुट करेंगे एक आंसर आएगा, फिर x इज इक्वल टू वन इस लैम्डा के साथ पुट करेंगे एक आंसर आएगा, उन दोनों आंसर्स को आप आपस में करेंगे प्लस और फिर वन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा x ग्रेटर देन इज इक्वल टू टू का। इसको मैं फर्दर आपको फार्मूलों में बताता हूं, यानी जनरलाइज करता हूं इस बार। अगर आपको किसी भी x ग्रेटर देन पूछा गया है, ए किसी पॉइंट से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो आपने इसका फॉर्मूला माइंड में रख लें कि आपने ग्रेटर पाइसन के केस में हमेशा क्या करना है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, अगर इस तरफ लेफ्ट साइड पर ग्रेटर का साइन है तो इस साइड पर लेस देन इज इक्वल टू आएगा, लेस देन इज इक्वल टू आएगा। यानी अगर ग्रेटर ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आप लेस देन इज इक्वल टू ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और वन में से माइनस कर देंगे। और अगर प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाए, ये मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, अगर आपको प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, अब तो ग्रेटर थी ना, अब पूछी जाए ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यानी अब इस तरफ इज इक्वल टू आ जाए ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो फिर इस तरफ इज इक्वल टू नहीं आएगा, यानी एक तरफ ही आएगा। अब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, यानी टू और ग्रेटर, जैसे यहां पर था टू और ग्रेटर, तो फिर एक्स वन माइनस एक्स लेस देन टू या लेस देन ए, जो भी वैल्यू ए है, ये आप फाइंड आउट करेंगे। सो सिंपल ये है कि जैसे यहां पर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू था, अगर ग्रेटर देन टू होता तो अगर एक्स इज, अगर इस तरह से होता एक्स इज ग्रेटर देन टू, तो यहां आ जाता एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू टू, और फिर मैं जब ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड करता तो x इज इक्वल टू जीरो भी होता, x इज इक्वल टू वन भी होता, और इसके साथ मैं मुझे प्लस करना पड़ता फर्दर x इज इक्वल टू टू की प्रोबेबिलिटी को भी, क्योंकि अब इस तरफ वो भी शामिल है। तो फिर मैं जीरो को पहले फॉर्मूले में पुट करता सॉल्व करता, फिर वन को फॉर्मूले में पुट करता सॉल्व करता, फिर टू को फॉर्मूले में पुट करता सॉल्व करता, फिर इन प्रोबेबिलिटीज को प्लस करता और वन में से सब्ट्रैक्ट करता। So, ये दो फॉर्मूले ग्रेटर देन के लिए आपको माइंड में रखें, ग्रेटर देन के लिए और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, राइट। यहां पर ये भी मेंशन करता चलूं कि ये सिर्फ पाइसन में ही ये फॉर्मूले नहीं लगा सकते, आप जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं उनमें भी आप ये फॉर्मूले एज इट इज यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन चूंकि उन डिस्ट्रीब्यूशंस में अपर लिमिट डिफाइन होती है एन तक होती है, बाइनोमियल में भी और पाइसन हाइपरजोमेट्रिक में भी, लेकिन इसमें अपर लिमिट इंफिनिटी तक होती है, तो इसलिए इसमें हमें इसी तरह करना पड़ता है, दूसरा सोल्यूशन नहीं होगा। ओके, आई होप कि आपने ये पॉइंट गेट किया है। आप फर्दर इसकी एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करें और फिर आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं इसको। सो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इसको आप देखें। जैसे पहला क्वेश्चन है, commuter airline receives a
an average of 9.7 complaints per day from its passengers. Using the Python formula, find the probability that on a certain day this airline will receive exactly 6 complaints. यानी यहाँ पर lambda 9.7 है, on the average कितनी complaints आती हैं? Lambda 9.7 हो गया और exactly 6 complaints की आपको probability find करनी है, x is equal to 6 हो गया. तो ये सारे questions आप चलेंगे, question number 89 देखें, 1 to 4 है, at least 6 है, इस तरह आपको probabilities पूछी हुई हैं. फर्दर ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इस पे भी मोर देन का लेस देन के क्वेश्चंस हैं, इनको आप सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और ये प्रैक्टिस करके इसको सॉल्व करके इसके सॉल्यूशंस आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. देन वी विल सी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू.